बाबा रामदेव का एक स्टेटमेंट आता है कि कैसे पॉपुलेशन कंट्रोल की जाए उसके ऊपर, और वो सुझाव देते हैं, और उस पर सबसे पहली प्रतिक्रिया ऑब्जेक्शन के साथ दिखाने वाले हैं असदुद्दीन ओवैसी। तो अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो में आगे इसी बारे में बात करेंगे। और एक और थोड़ी खतरनाक न्यूज़ और है, बाबा रामदेव ने ये कहा था कि जो हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है हमारे देश का, उसको टैकल करने के लिए उन्होंने एक सबसे अच्छा सुझाव दिया था कि ये एक मेंटल स्थिति पैदा कर देता है उन पेरेंट्स के मन में जो बच्चा पैदा करने से पहले सोचते नहीं हैं। सुझाव ये था कि दो से ज़्यादा अगर बच्चे हों उस फैमिली में, तो उस तीसरे बच्चे को ना वोटिंग राइट हो ना ही गवर्नमेंट सर्विसेज का बेनिफिट मिल पाए। तो इस पर प्रतिक्रिया देते हैं हमारे ओवैसी जी कि क्या अगर मोदी जी तीसरे बच्चे होते तो उनसे सारा राइट छीन लिया जाता, या फिर ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल हरकत होगी, और मतलब संविधान का मतलब पूरा रेफरेंस देने लग गए। क्या मैं उनके इस ऑब्जेक्शन का रीज़न ये निकालूं कि मुसलमानों में एक से ज़्यादा शादियां अलाउड होती हैं, उसका भी एक अलग फैक्चुअल रीज़न है एक से ज़्यादा शादी करने का, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बात करूँगा, अगर जानना हो तो कमेंट कर दीजिएगा। तो क्या मैं इसका मतलब ये समझूं कि क्योंकि मुसलमान एक से ज़्यादा शादियां करता है तो जाहिर सी बात है बच्चे भी बहुत करेगा, अगर वो पॉपुलेशन बढ़ा रहा है तो सबसे बड़ा खतरा इस एक्ट का उसके ऊपर ही होने वाला है। तो मुझे लगता है इस वजह से इस माइंड, क्योंकि माइंड सेट पहले से होता है कि हम लोग क्या करते हैं हमारी आदत में क्या है, तो सबसे पहले अगर असर किसी पर पड़ेगा तो उनके ऊपर पड़ सकता है। तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दिखा के ये प्रूव कर दिया कि ये एक पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है उनके ऑब्जेक्शन का। इसका पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू अगर किसी को समझना हो तो बहुत बेसिक और नॉर्मली कोई समझ सकता है न्यूट्रल होकर बिना रिलीजन बेसिस जाके, कि दो से ज़्यादा अगर बच्चे चाहे हिंदू के हों चाहे मुसलमान के हों, रामदेव ने किसी एक के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा था, उन्होंने ये माइंड में भी नहीं रखा था कि शायद मुसलमानों के अगेंस्ट चला जाइए। दूसरी चीज़, अगर ये चीज़ लागू होती, पहली बात ये एक सुझाव था, इस पर इतना एंगर दिखाने की जरूरत नहीं थी, ये एक सुझाव था, अगर ये लागू होता है तो उतना ही हिंदुओं पे भी लागू होगा, उतना ही मुसलमानों पे भी लागू होगा, और ये एक पेरेंट्स के मन में, चाहे ये इस जनरेशन के बच्चे अगर फ्यूचर में पेरेंट्स बनेंगे तो उनके माइंड में पहले से ही बात रहेगी कि हमें इसके हिसाब से चलना है, और पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन होगी रिसोर्सेज कम होंगे तो चीज़ें बटती हैं और सही आदमी को सही अमाउंट में नहीं मिल पाती है, और जिसका नतीजा होता गरीबी भुखमरी। लेकिन ओवैसी जैसे आदमी से ये सब चीज़ें सुन के, इस चीज़ का विरोध सुन के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हो रही, क्योंकि बहुत एक इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत फैक्ट रख के बहस करते हैं, उनकी बहुत सारी डिबेट्स मैंने देखी है सुब्रमण्यम स्वामी के साथ, तो उनसे इस तर्क की उम्मीद नहीं थी। अब आते हैं जो मैंने बोला था थोड़ी खतरनाक न्यूज़ है, एक्चुअली खतरनाक क्या है, शर्म आनी चाहिए लोगों को, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। उत्तर प्रदेश की ये न्यूज़ है, मैं आपको दिखा दूँगा स्क्रीनशॉट। एक गूंगी और बहरी नाबालिग लड़की का रेप होता है, वो बेचारी FIR भी दर्ज नहीं करा पाती है समय पे, और जब उन लोगों ने जिन लोगों ने रेप किया उन्होंने वीडियो अपलोड की, वीडियो बनाई बाकायदा करते हुए, वो वीडियो अपलोड की तो पुलिस हरकत में है, और उसके बाद जो भी एक्शन हुआ हुआ। ये घटना 23 तारीख की है, और इतना डिले सिर्फ इसीलिए हुआ कि इस माहौल में, चुनावी माहौल में मीडिया कवर नहीं कर पाई, लड़की रजिस्टर नहीं करा पाई क्योंकि गूंगी और बहरी थी, वो बता ही नहीं पाई उसके साथ क्या हुआ, वो वीडियो अपलोड होने के बाद पुलिस हरकत में आई, यूपी पुलिस। तो ऐसा कुछ कड़ा कानून, कड़ा कदम उठाना चाहिए यूपी सरकार के द्वारा। योगी जी बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं कि ये सब चीज़ें बंद हो जाएं, वरना या तो जेल में जाओगे या तो स्वर्ग में जाओगे। जो ऐसा करने वाले लोग हैं उनके मन में एक और खौफ आना चाहिए कि ये सब हरकत, मतलब लोगों के दिमाग में सब चीज़ें कहाँ से आती हैं मुझे नहीं पता। तो वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कोई सवाल या सुझाव या किसी टॉपिक पर कुछ बताना आपको तो कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।